नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने जो पढ़ने वाले हैं इसी थ्योरी के अंदर, आज हमने पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पावर फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, आरएमएस मान, एवरेज मान, ये जितने भी जो है वो तीन वीडियो मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ। तो इससे पहले अगर आप लोग वो अगर नहीं देखे तो वो भी आप लोग जरूर देखें। तो आज हमने जो पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट, ठीक, अगर सर्किट के अंदर केवल रेजिस्टेंस घटक है तब सर्किट का व्यवहार कैसा होगा, केवल इंडक्टर होगा तब कैसा व्यवहार होगा, कैपेसिटर होगा तब कैसा होगा, फिर अपने इनके सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो यहां मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूं किस तरीके से चलेंगे। आरएलसी ये तीनों अपने पढ़ेंगे, अलग अलग कंडीशनों में पढ़ेंगे। फिर आरएल श्रेणी कैसा होगा, फिर अपने पढ़ेंगे आरसी श्रेणी पढ़ेंगे, फिर एलसी सीरीज, अगर एल और सी दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया तब कैसा होगा, फिर आरएलसी तीनों को श्रेणी में जोड़ेंगे तब क्या होगा। इसी तरीके से जिस प्रकार इनको आपने श्रेणी में जोड़ा उसी तरीके से अपने काम क्या करेंगे, इनका समांतर क्रम के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ऐसी थ्योरी अगर आप लोग देखोगे तो जितनी भी आपने जो शुरू में तीन क्लासे लगाई इसके अलावा ये जो जितनी भी है इतना पार्ट है, ये इतना ही पार्ट आपका ऐसी थ्योरी का। तो मतलब ऐसी थ्योरी कोई बड़ा कोई चैप्टर नहीं है आपका, बस सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आपको इसके अंदर कंसेप्टुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इसलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हमने पढ़ेंगे कि अगर केवल रजिस्टिव सर्किट होगा तो सर्किट का व्यवहार कैसा होगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आरएलसी सर्किट। देखो पहला अगर हमने बात करें वो बात करेंगे प्योर रजिस्टिव के ऊपर बात करेंगे, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी। अगर आपके अगर शुद्ध प्रतिरोधी की अगर हमने बात करें तो शुद्ध प्रतिरोधी होते कौन कौन से हैं, जितने भी जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ये मैंने करंट के इफेक्ट में आपको बताया भी था, जितने भी जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, प्योर रजिस्टिव होंगे। जैसे अपने पास क्या रहेगा, जैसे अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिकल केतली होगी, विद्युत स्त्री होगी, ठीक है, विद्युत स्त्री, इसके अलावा विद्युत केतली होगी, ओवन हो गया, गीजर हो गया, इमर्सन रोड होगी, हीटर हो गया, ये जितने भी होंगे, ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये सारे प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे कि इसके अंदर होगा क्या, अगर इसको अगर हमने सर्किट में जोड़ दिया, मान लेते हैं अपने पास क्या रजिस्टर है, इसको मैंने सर्किट में जोड़ दिया और इसको आपने क्या किया ऐसी सप्लाई जोड़ दी। अब आपको पता है कि इसका रजिस्टेंस होगा वो आर मानेंगे और इसके अंदर जो करंट होगी वो क्या रहेगी, आई रहेगी, और यहाँ जो वोल्टेज होगा उसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लोग काम क्या करेंगे, जब इसको सप्लाई देंगे, सप्लाई देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज जो दे रहे वही होगा, ये इसके अंदर जो करंट है वही होगा। इसका मतलब V और I के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर आप लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये अपने पास जो रहेगा ये वोल्टेज का रहेगा। तो रजिस्टिव सर्किट होगा उसके अंदर करंट और वोल्टेज होगी वो दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब क्या रहेगा, इन फेज रहेगा। तो ये अपने करंट का यहाँ इस तरीके से दिखाएंगे, तो ये अपने पास जो रहेगी वो क्या रहेगी, करंट रहेगी। तो इसका मतलब रजिस्टिव सर्किट होगा उसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि धारा और वोल्टेज क्या रहती है, इन फेज रहती है। तो इस सर्किट की पहली जो खास बात रहेगी वो रहेगी वी और आई, ठीक है, V एंड I दोनों क्या रहेंगे, इन फेज रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, इन फेज। अगर आपका पता चल चुका है कि इन फेज रहेंगे मतलब दोनों में अधिकतम मान भी एक टाइम आएगा और न्यूनतम मान भी क्या है, एक टाइम आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन फेज राशियां जो होगी उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज अगर अधिकतम मान पर है तो करंट भी अधिकतम मान पर होगी, अगर करंट वोल्टेज शून्य पर है तो करंट भी क्या रहेगी, शून्य रहेगी। तो इसका मतलब क्या याद रखेंगे, वी और आई दोनों एक साथ क्या करती है, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या रहेगा, जीरो, अधिकतम है न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, एक साथ दोनों एक साथ अधिकतम है न्यूनतम मान पर पहुंचते हैं, ठीक है, पहली एक चीज ये। अब देखो अगर दोनों ये साथ साथ चलेगी तो इन दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, जीरो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध रजिस्टिव सर्किट होगा उसके अंदर फेज डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, फेज डिफरेंस की अगर हमने बात करें मतलब कलांतर की बात करें तो वो कितना रहेगा, जीरो डिग्री। अगर आपको कलांतर जीरो डिग्री है तो इसी डायग्राम से आप लोग ये पता लगा सकते हो कि अगर कलांतर जीरो डिग्री है तो उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा,
तो पावर फैक्टर जो रहेगा वो कोस फाई क्या रहेगा, कोस फाई बराबर क्या रहेगा, एक रहेगा, क्यों रहेगा, इस फाई की जगह जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 डिग्री, ऐसा ही होगा। अब आपको यहां से याद रखना है कि अगर ये प्योर रेजिस्टिव है तो इसके अंदर जो करंट जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर, रजिस्टर के अंदर जो करंट होगी, तो आई आर लिख सकते हो, सीधा आई भी लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ जो आई है वही आई इसके अंदर जाएगी, इसको आई आर लिखो या आई लिखो कोई फर्क चेंज नहीं पड़ने वाला। तो आई आर जो होगा वो वी एफ वन में क्या रहेगा, आर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, प्योर रजिस्टर सर्किट जो होगा उसके अंदर एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसी का, इसके ऊपर ओम का नियम जो होगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा, लागू होगा। किस सर्किट पर, इस सर्किट पर। तो यानी कि यहाँ ध्यान रखना, ओम्स लॉ जो होगा, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या रहेगा, लागू होगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये बात भी याद करना, याद रखना। इसके बाद देखिए, अगर आपको धारा, वोल्टेज और पावर का ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए, वी आई एंड पी, इनके बीच में अगर ग्राफ पूछा जाए तो अपने को पता है पी बराबर क्या होगा, वी इंटू आई रहेगा। और इसका मतलब यहां से ध्यान रखना कि शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट के अंदर अगर आपको पावर का फार्मूला पूछा जाए तो जी बराबर क्या रहेगा, सॉरी जी जो अपने रहेगा, पी बराबर क्या रहेगा, वी आई। क्योंकि अगर यहाँ कोस फाई भी रखोगे तो आप लोग कोस फाई का मान क्या रखना पड़ेगा, आपको एक रखना पड़ेगा। तो शुद्ध रजिस्टर सर्किट जो होगा उसके अंदर पावर का जो फार्मूला क्या रहेगा, वी इंटू आई रहेगा, या इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर बी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब इसका पावर का ग्राफ देखो, ये अपने पास क्या रहेगी, वोल्टेज रहेगी, ये करंट रहेगी, ये वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गया, करंट हो गया। अब P बराबर क्या रहेगा, V इंटू आई रहेगा। यहाँ वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो P बराबर V इंटू आई रहेगा। तो धारा पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, धारा और वोल्टेज का मल्टीप्लाई है तो क्या मिलेगा, पावर। और पावर जो होगी, मान लेते हैं वोल्टेज का मान 10 है, करंट का मान 2 है, तो वोल्टेज की पावर कितनी आएगी, 20 आएगी। इसका मतलब इसका ये जो फेजर होगा, ग्राफ जो होगा वो ऊपर ज़्यादा की ओर जाएगा। फिर अगर ये दोनों नेगेटिव है, अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो वो भी वापस क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब पावर जो होगी, ठीक है, पावर जो होगी वो क्या रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, किसके अंदर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है आप लोगों के लिए कि किस प्रकार का सर्किट होगा जिसके अंदर पावर जो होगी वो ऋणात्मक नहीं होगी, बाकी दो अगर पढ़ोगे तो उसमें भी नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, ठीक है, पावर जो होगी, पावर सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। दूसरी बात क्या याद रखोगे, देखो, ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखोगे, पावर वोल्टेज चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, पावर हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। यानी कि वोल्टेज व धारा के, यानी वी और आई के प्लस व ऋण, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक चक्कर के दौरान जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहती है। यानी कि पावर जो कि हमेशा खपत होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर पंखा चल रहा है, अगर आपके पास कोई हीटर या गीजर जो भी युक्ति है और उसके अंदर रेजिस्टेंस का अगर गुण है, तो उस वजह से क्या होगा, चाहे वोल्टेज का पॉजिटिव साइकिल है, चाहे करंट का पॉजिटिव है, चाहे करंट का वोल्टेज नेगेटिव है, चाहे वोल्टेज का नेगेटिव है, वो पावर हमेशा खपत करेगा। इसका मतलब शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट होगा वही क्या करते हैं, पावर का क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो आपको यहाँ से ये बात पता भी चल रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखोगे, दूसरी बात क्या याद रखना है कि पावर आपकी वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ अगर देखेंगे कि तो इसका पॉजिटिव का एक चक्कर है, नेगेटिव का एक चक्कर है, मतलब पावर के जो दो साइकिल बनेंगे, वोल्टेज के तो एक साइकिल बनेगा पूरा, एक पॉजिटिव होगा, धनात्मक एक क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब आधे आधे चक्कर होंगे। तो यहाँ पावर के आपको जो चक्कर बनेंगे, तो यानी कि एक पूर्ण चक्कर के दौरान पावर के दो चक्कर होंगे, यानी कि पावर के दो हाफ साइकिल होंगे, पावर के दो हाफ साइकिल होंगे। तो यहाँ से आपको ये बात क्या करनी है, याद रखनी है। तो इतना जो मैंने आपको डिटेल बताई, ये सारा का सारा जो अपना रहेगा, ये रहेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर। क्या बात पूछी जा सकती है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ऐसे बता सकते हो। पावर फैक्टर पूछा तो ऐसे बता सकते हो। करंट पूछा जाए तो ये बता सकते हो। ओम का नियम लागू किस पर होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। शक्ति खपत कौन करेगा, तो शक्ति खपत करेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट करेगा, ठीक है, या रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस होगा। इसके अलावा एक इसका फेजर डायग्राम और देखें, ठीक है,
फेजर डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक, तो इसका फेजर डायग्राम देखो, फेजर का मतलब क्या होगा कि राशियां जो होगी, प्रत्यावर्ती राशियां जो होगी उनके परिमाण के साथ उनका कला कोण प्रदर्शित करना। तो इसको आप लोग ऐसे दिखा सकते हो, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, इसको आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो आई और वी। तो ये डायग्राम देखिए, पूछे फेजर डायग्राम किसका है, तो आप लोग बता सकते हो रजिस्टर का है। इसके अलावा इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप लोग, इसको आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन शर्त ये दोनों की डायरेक्शन क्या दिखानी है, समांतर में दिखानी है, मतलब एक ही डायरेक्शन दिखानी है आपको। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं कि शुद्ध रजिस्टिव सर्किट के अंदर पावर लॉस क्या होगा, तो आई स्क्वायर आर बोलोगे, वी इंटू आई अधिकतम मान, दोनों अधिकतम मान पर पहुंच रहे हैं, दोनों एक साथ न्यूनतम मान में पहुंच रहे हैं, तो वो सर्किट कौन सा होगा, प्योर रजिस्टिव होगा। और वोल्टेज और धारा दोनों क्या रहते हैं, इनफेज रहेंगे, किसके अंदर, आपका प्योर रजिस्टिव सर्किट जो होगा। तो ये सारा डिटेल था, ये था आपका प्योर रजिस्टिव सर्किट के ऊपर। अब अपने बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होगा वो कैसा काम करेगा, और इसके एग्जाम्पल आप याद रखोगे, जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जितने भी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्योर होते हैं रजिस्टिव, यानी कि शुद्ध परिणामी एलिमेंट होगा। उसके अंदर क्या करेंगे, मतलब यहाँ अपने पास क्या होगा, अपने इस बार क्या जोड़ दी, चौक जोड़ दी। इस कंडीशन के अंदर देखो क्या होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि करंट जो होती है वो कुंडली के अंदर क्या चलती है, 90 डिग्री पीछे चलती है। तो उसके बारे में आज हमने बात करेंगे कि 90 डिग्री जो होगा वो बैक कैसे होगी। ठीक है, अब इसको देखो, इसका हमने क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा V, I और इसके अंदर एक चीज और आएगी बैक EMF। ठीक है, अब आप लोग यहां से देखें, ये मान लेते हमने पास वोल्टेज का है। देखो कुंडली का एक गुण होगा कि जैसे जैसे इसके अंदर करंट में चेंजिंग होगी वैसे वैसे काम क्या करेगा, इसके अंदर बैक EMF बनना स्टार्ट होगा। इसका मतलब यहां से देखो, ये वोल्टेज अपने पास जो सप्लाई दे रहे हैं, इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, अधिकतम मान ये धीरे धीरे वोल्टेज में चेंजिंग हो रही है, वो बढ़ रही है। जैसे जैसे ये चेंजिंग होगा वैसे वैसे इस कुंडली के अंदर क्या बनेगा, बैक EMF बनना स्टार्ट हो जाएगा। जिस समय ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम मान पर होगा, उसी डायरेक्शन उसी टाइम जो बैक EMF होगा वो नेगेटिव टाइम के अंदर क्या होगा, अधिकतम मान पर होगा। जब ये धीरे धीरे क्या होगा, डाउन आएगा, क्योंकि अब वोल्टेज का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आएगा, डाउन आएगा, तो उस समय आपका बैक EMF जो होगा वो भी क्या होगा, घटेगा। जब बैक EMF घटेगा तो उसी समय इस कुंडली के अंदर क्या होगी, करंट का क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बनाया ये आई का ग्राफ होगा, और इसको नीचे की ओर दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग नीचे भी दिखा सकते हो। फिर वापस क्या होगा, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर बैक EMF बढ़ रहा है तो ये इस तरीके से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो बैक EMF हमेशा सप्लाई का क्या करेगा, विरोध करेगा। उस वजह से क्या होगा कि करंट जो होती है वो 90 डिग्री के बाद ही क्या करती है, कुंडली से आगे फ्लो होती है। अगर यहाँ कोई अपने में कोई युक्ति जोड़ दी, ठीक है, तो 90 डिग्री तक तो कुंडली क्या करती है, खुद करंट लेती है, 90 डिग्री तक खुद करंट लेगी। इसका मतलब कि इस करंट के चेंजिंग की वजह से क्या बनाएगी, बैक EMF बनाएगी। 90 डिग्री के बाद में क्या होगा कि जब इसका बैक EMF घटेगा, फिर ये काम क्या करेगी, आगे जो करंट होगी उसको ट्रांसफर करने का काम करती है। इस वजह से अगर आप लोग देखेंगे इन सर्किट के अंदर क्या होगा कि वोल्टेज होती है वो तो 90 डिग्री क्या होगी, आगे होगी, क्योंकि इस पर वोल्टेज अप्लाई तो आपने पहले ही कर रखी है, लेकिन इससे आगे जो करंट का जो फ्लो होगा वो 90 डिग्री के क्या होगा, बाद में होगा। तो इसका मेन जो रीजन है वो क्या है कि जब आप लोग काम क्या करते हो, इसको सप्लाई से जोड़ते हो, उस समय इस कुंडली के अंदर भी क्या होगा, बैक EMF बनना स्टार्ट हो जाता है। और 90 डिग्री के बाद में क्या होगा कि सप्लाई वोल्टेज भी क्या होगी, शून्य की ओर अग्रसर होगी, मतलब घटेगी, तो बैक EMF भी घटता है। और बैक EMF घटने की वजह से क्या होगा, ये कुंडली क्या करेगी, आगे करंट का फ्लो करती है। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइम तक वो क्या करती है, चुंबकीय ऊर्जा को स्टोर करती है। फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में वो क्या करती है, चुंबकीय ऊर्जा को क्या करती है, ट्रांसफर करने का काम करती है। तो इसके अंदर देखो डायग्राम है, थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा आपका। ये जो मैंने ये बनाई ये बी है, ये जो है रहेगा ए बी रहेगा। और 90 डिग्री के बाद में देखो करंट का मान, वोल्टेज का मान जो मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो ये आपने जनरेटर वगैरह या अल्टरनेटर के अंदर पढ़ा भी होगा कब होगा। ये जो रहेगा ये करंट रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो क्या रहेगा, आई रहेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि करंट जो होगी वो 90 डिग्री पीछे जो होती है इंडक्टर में, वो किस वजह से होगी। अब यहाँ से देखो इसका अगर अपने ग्राफ बनाए,
वी आई और पी का पावर का, तो मेरे को काम क्या करना पड़ेगा इस समय, बैक एमएफ जो होगा वो नहीं दिखाऊंगा। तो इसका मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ तो इस तरीके से ये बनेगा। ये अपने पास क्या रहेगा, ये वोल्टेज का हो गया, और इस तरीके से आप लोग यहाँ से इसका करंट का दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके पावर के जो साइकिल बनेंगे वो देखो कितने बनेंगे, कि वोल्टेज का और करंट का जब एक साइकिल होगा तो पावर के कितने साइकिल बनने वाले हैं। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखेंगे अपने, तो ये वोल्टेज होगी तो पॉजिटिव में, ये करंट क्या नेगेटिव में, ये वोल्टेज है ये क्या करंट है, तो ये पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो आएगा नेगेटिव। इस समय ऐसे बनेगा ये पावर इतना चक्कर। फिर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट से देखो ये वोल्टेज, ये करंट है, ये वोल्टेज है, दोनों पॉजिटिव में, तो पावर भी क्या आएगी पॉजिटिव में आएगी। फिर यहाँ देखो करंट है ये और ये वोल्टेज है, तो करंट तो पॉजिटिव के अंदर है, वोल्टेज नेगेटिव है, यानी कि 180 से 270 के बीच में। फिर अब देखो यहाँ ये दोनों क्या नेगेटिव में, जिस समय इसका पावर का मान क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि करंट और वोल्टेज का जब एक साइकिल होगा तो पावर के पूरे साइकिल बनेंगे दो, यानी कि V, ठीक है, यानी कि V और I के एक पूर्ण चक्र के दौरान, ठीक है, एक पूर्ण चक्र के दौरान पावर के क्या बनेंगे, दो साइकिल बनेंगे। एक बात तो आपको ये याद रखना। दूसरी बात देखो यहाँ पावर पॉजिटिव में भी आ रही है और नेगेटिव में भी आ रही है, यहाँ पावर पॉजिटिव में भी आ रही है और नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये पावर लॉस नहीं करेगा, ये जो सर्किट होगा पावर लॉस नहीं करेगा। यहाँ चुंबकीय ऊर्जा को स्टोर होती है, यहाँ वापस लौटा देती है, यहाँ फिर वो स्टोर करेगी, यहाँ वापस लौटा देती है। और चुंबकीय ऊर्जा आपने देखा होगा 1/2 क्या रहेगा, एल आई का स्केयर रहेगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देखें, ये वोल्टेज है, ये करंट है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो देखो कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हुआ, वोल्टेज आपके अधिकतम मान पर है, करंट क्या है न्यूनतम मान है, और अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का जो डिफरेंस रहेगा किसी भी जो अल्टरनेटर हो गया या आपका जनरेटर हो गया उसके अंदर जो वेव जो बनती है उसके अंदर हमेशा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा, आपने ये समीकरण पढ़ी होगी, ई बराबर वी एल वी साइन थीटा। अगर आपका शून्य शून्य कब होगा, जब थीटा का मान क्या रहेगा, 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होगा, तो उस समय ई का मान कितना आएगा, 0। और ये अधिकतम कब होगा, जब ये 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ई मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पर। तो 0 और अधिकतम के मान का जो अंतर होगा एंगल के अकॉर्डिंग, वो 0 90 होगा। और यहाँ से भी पता चल रहा है कि यहाँ 0 है, यहाँ मैक्सिमम है, और मैक्सिमम देखो और यहाँ अगर एंगल देखें तो ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब एक चीज़ ये भी पता चल रहा है कि जब एक राशि अधिकतम मान पर है और दूसरी शून्य मान पर है, तो उस समय उनके बीच में कलांतर कितना डिग्री होगा, तो ये कलांतर आपको याद रखना है 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि जब वोल्टेज क्या रहती है, जब वोल्टेज क्या होगी मैक्सिमम होगी, तब करंट आई क्या होगी मिनिमम होगी, मतलब शून्य होगी। ये बात याद रखेंगे इसके अंदर, इंडक्टर सर्किट के अंदर। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, जो कलांतर होगा वो कितना डिग्री आएगा, वो आएगा 90 डिग्री। कलांतर 90 डिग्री आएगा तो पावर फैक्टर देखो क्या आएगा, कोस 90 का जो मान होगा वो 0 होगा। अब 0 तो होगा, लेकिन आपको मैंने कल की जो क्लास थी उसके अंदर एक बात और बताई थी कि यहाँ लैगिंग लिख सकते हो या लीडिंग लिखोगे, क्योंकि करंट पीछे चल रही है, यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम मान पर जबकि करंट क्या 0 पर। इसका मतलब इसके आगे एक चीज़ और लगेगी, वो क्या लगेगी, वो लगेगी यहाँ पर करंट जो होगी, यहाँ जो इसका पावर फैक्टर आएगा वो आएगा 0 लैगिंग। अब यहाँ से इसका फेजर डायग्राम अगर आप लोग बनाते हो तो फेजर डायग्राम देखो कैसे बनेगा। यहाँ अगर आप लोग करंट दिखा रहे हो तो वोल्टेज आपके आगे चल रही थी, उस वोल्टेज को यहाँ दिखाना पड़ेगा, और ये एंगल होगा वो कितना दिखाओगे, 90 डिग्री। फिर आपको देखो इसके अंदर अगर आपको करंट दिखाना है तो इंडक्टर द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा, क्योंकि आई बराबर क्या रहेगा, V अपॉन में R, मतलब प्रतिरोध होगा, लेकिन इंडक्टर जो रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा उसको बोलेंगे अपने XL, यानी कि यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, XL आएगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, इसके बाद देखो ये जो इंडक्टर जो होगा इसके अंदर जो पावर लॉस होगा, P बराबर आप लोग क्या निकालेंगे, VI cos φ, यानी कि ट्रू पावर इसके अंदर अपने देखें तो VI cos φ होगा, और cos φ का मान मैंने क्या बताया, 0 होगा। तो यानी कि सारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो पावर लॉस कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना करेगा, 0 वाट।
ठीक है। तो शुद्ध इंडक्टर और शुद्ध कैपेसिटर कभी भी पावर का लॉस नहीं करते। सीधा सवाल देगा कि 10 हेनरी की चौक है, इतनी वोल्टेज की सप्लाई, चाहे डीसी दो चाहे एसी दो, और आपसे पूछेगा कितना लॉस खपत करेगा, तो आपका आंसर कितना होगा, 0 वाट होगा। ठीक है, उसके बाद देखें पावर जो होगी, दो बार तो पॉजिटिव में और दो ही बार क्या नेगेटिव में, इसको इस तरीके से बना सकते हमने, एसएससी जेई के अंदर पूछा गया था, इस तरीके से बनेगा ये आपका। तो यहां से देखेंगे तो एक इस पॉइंट पर जीरो होगा, एक इस पॉइंट पर जीरो होगा, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर। उसमें यह था कि पूरे साइकिल के दौरान आरएल सर्किट के अंदर पावर क्या होगी, तो पावर उसके अंदर ऑप्शन था दो बार पॉजिटिव में होगी, दो बार जीरो पर होगी, दो बार नेगेटिव में होगी, इस तरीके से ऑप्शन था। तो यहां से देखें तो ये दो बार पॉजिटिव में होगी, दो बार क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि पावर जो होगी दो बार तो क्या चलेगी, प्लस के अंदर, और दो बार क्या चलेगी, नेगेटिव के अंदर। और शून्य अगर आपसे पूछा जाए कि पावर जो होगी वो शून्य कितनी बार होगी यहाँ पर, तो शून्य देखो ये इस पॉइंट से, तो देखो जहां से वो स्टार्ट होगी वो तो शून्य होगा, उसको कभी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद देखें एक दो तीन और चार, तो यहाँ क्या होगी, शून्य कितनी बार होगी, 4 बार होगी। तो इस तरीके से आप लोग यहां से क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होगा उसका पावर फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए, उसका फेजर डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए, उसके अंदर करंट अगर आपसे पूछा जाए, अगर वो ये पूछा जाए कि उसके अंदर पावर जो है वो कितनी बार प्लस में होगी, कितनी बार माइनस के अंदर, कितनी बार जीरो होगी, तो आप ही आप लोग यहाँ से बता सकते हो। या बोल सकते हो कि इंडक्टर जो होगा उसके अंदर ये वोल्टेज अधिकतम मान पर है, करंट न्यूनतम मान पर है, तो वो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, तो भी आप लोग यहाँ से बता सकते हो। इसके अलावा NMRC जो जेई का एग्जाम हुआ था, दो शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, दोनों के अंदर उन्होंने काम किया कि ऐसा एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ ये बताया कि पाई बाई टू है। तो आपसे ये पूछा गया था कि इसके अंदर क्या है, करंट आगे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रही है, तो इंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, करंट जो होगी वो पाई बाई टू, यानी कि 90 डिग्री क्या करती है, लैग करती है। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, यानी कि शुद्ध इंडक्टर जो होगा, शुद्ध इंडक्टर में आई वी से पाई बाई टू, यानी कि कितने डिग्री, 90 डिग्री क्या चलती है, पीछे चलती है। तो ये भी आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये सारा का सारा डिटेल है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर है, और यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो वास्तविक पावर जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और ये हमेशा काम क्या करता है, इंडक्टिव पावर को खपत करेगा। और ये मैंने आपको बताया भी था, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपकी जो अपरेंट पावर होगी और जो रिएक्टिव पावर होगी ये दोनों बराबर होगी, और यहाँ जो ट्रू पावर होगी वो कितना आएगा, 0। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, शुद्ध इंडक्टर सर्किट के अंदर, इंडक्टिव सर्किट के अंदर। अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्योर कैपेसिटर। अब अपने बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो होगा उसके बारे में, कि इसका अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा उसका इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। ये अपने पास क्या है, कैपेसिटर लगा दिया मैंने, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये सप्लाई दे दी इसको, ठीक है, इसके अंदर करंट जा रही है, वही जा रही है। अब देखो कैपेसिटर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि करंट जो होती है वो 90 डिग्री आगे चलती है, वो कैसे चलेगी, देखो जब इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो कैपेसिटर जो होगा वो शुरुआत के अंदर काम क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह ही काम करता है। इसका मतलब इस कैपेसिटर पर शुरुआत के अंदर जो होगा वो धारा की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे इसकी वोल्टेज इस सप्लाई वोल्टेज का क्या करती है, विरोध करती है। और जब इस पर वोल्टेज अधिकतम होगी और इसका मतलब इसका विरोध होगा वो अधिकतम होगा, उस समय ये करंट क्या करेगा, लेना बंद कर देता है। जैसे आपके पास मोबाइल की बैटरी होती है, जब ये पूरा चार्ज हो जाती है तो फिर ये करंट नहीं लेती, फिर आपको वो क्या करता है, फुली चार्ज दिखाता है। वही सेम क्या होता है, इसी के अंदर होता है कैपेसिटर भी, एक तरीके से क्या होता है कि आपकी बैटरी की तरह ही काम करते हैं। इसका अगर आपने ग्राफ देखे फिर आपको यहाँ से बात समझ में आएगी। देखो ये अपने पास क्या वोल्टेज है, ठीक है। अब आपने काम क्या किया, जब देखोगे जब इसको वोल्टेज देंगे तो उस समय ये जो क्या होगा, यहाँ से जो करंट निकलेगी उसका मान क्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि शुरुआत के अंदर कैपेसिटर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। इसका मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट है, कैपेसिटर की प्लेट है, उस पर वोल्टेज क्या, 0, लेकिन इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या, मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम मान यहाँ होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेटों पर वोल्टेज बढ़ेगी, जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेटों पर क्या बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी, वैसे वैसे ये कैपेसिटर क्या करेगा, इस धारा को क्या करेगा, लेना कर देगा कम। मतलब इस तरीके से करंट क्या आएगी, डाउन आएगी, और वोल्टेज क्या होगी, कैपेसिटर, ये जो वोल्टेज है कैपेसिटर की प्लेट की वोल्टेज है, ध्यान रखना,
इस तरीके से आएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ देखेंगे तो ये वोल्ट करंट जो है वो मैक्सिमम है और वोल्टेज क्या है, जीरो है। जब वोल्टेज अधिकतम होगी, मतलब यहाँ जो वोल्टेज होगी और यहाँ जो वोल्टेज होगी, जब ये बराबर हो जाएगी तो उस समय ये काम क्या करेगा, इस करंट को क्या कर देगा, जीरो, क्योंकि विभव का अंतर क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब इस समय कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको आगे भी दिखा सकते हो, ठीक है, ये आगे जाओगे तो इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि जो कैपेसिटर होगा उसके अंदर करंट जो होगी वो 90 डिग्री आगे क्यों चलती है। तो इसके अंदर क्या याद रखेंगे कि करंट जो होगी कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक राशि तो अधिकतम मान पर है, दूसरी क्या न्यूनतम मान पर है, तो उन दोनों के बीच के जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री होगा। ये तो कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, क्योंकि या तो ये प्योर क्या होगा, इंडक्टर सर्किट होगा, या क्या होगा, कैपेसिटर होगा। लेकिन अगर आपको ये बोलते हैं कि जब करंट अधिकतम मान पर है, कि शुरुआत के अंदर करंट अधिकतम मान है और वोल्टेज क्या न्यूनतम मान पर है और करंट क्या आगे चल रही है, तो वो सर्किट कौन सा होगा, तब आपको यहाँ से वो देगा कैपेसिटर सर्किट होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर भी जो कलांतर होगा, फेज डिफरेंस होगा, वो कितना आएगा, पाई बाई टू, यानी कि कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब इसका भी पावर फैक्टर क्या रहेगा, पावर फैक्टर जो रहेगा कोस 90, कोस 90 का मान कितना आएगा, जीरो। लेकिन जीरो के साथ आप जो एक चीज़ लिखेंगे वो क्या होगा, आपका लीडिंग होगा, क्योंकि करंट जो चल रही है वो आगे चल रही है। तो इस क्वेश्चन का जो अगर पूछा जाए कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा उसका पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप लोग लिखेंगे शून्य, लीडिंग लिखेंगे। उसके बाद देखें, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ तो किस तरीके से बनेगा। फेजर डायग्राम मैंने भी आपको बताया था कि तीन चीज़ों के बीच में होगा, दो प्रत्यावर्ती राशियाँ होगी और तीसरा उनके बीच का कलांतर या कला कोण। तो यहाँ अगर मैं वोल्टेज को दिखा रहा हूँ तो करंट आगे चल रही है, तो करंट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। फिर बात करेंगे इसके अंदर पावर लॉस कितना होगा, तो पावर लॉस अगर पावर फैक्टर जीरो है तो पावर लॉस जीरो आएगा। इसको हमने इसके ग्राफ से भी समझेंगे, देखो कैसे। तो पावर वोल्टेज और करंट के बीच में देखेंगे संबंध क्या होगा, पावर वोल्टेज और करंट के बीच में करेंगे। तो इसके अंदर देखो, यहाँ जो हमने ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये वोल्टेज हो गया और इस तरीके से ये क्या होगा, ये करंट होगा, ठीक है। अब देखो पावर जो होगी वो वोल्टेज और करंट का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ ये देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, पावर और करंट दोनों पॉजिटिव है, ये करंट, ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो इस समय पावर भी क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। दूसरी कंडीशन देखें तो वोल्टेज तो पॉजिटिव और करंट क्या नेगेटिव है, यानी कि 90 से 180 डिग्री के बाद की बात है। तो यहाँ ये क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ ये भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पॉजिटिव। फिर ये पॉजिटिव में करंट है, वोल्टेज क्या नेगेटिव है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब जो बात आप लोगों ने इंडक्टर के अंदर पढ़ी थी वो आप लोग यहाँ पर जो पढ़ोगे वो बिल्कुल सेम है। मतलब इसके अंदर ये पावर जो बनेगा वो दो बार पॉजिटिव में होगा, दो बार नेगेटिव में होगा, चार बार जीरो पर चलेगी, ठीक है। और इसके अंदर पावर के जो साइकिल बनेंगे वो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ वापस क्या कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। फिर इसका जो पावर लॉस होगा, पी बराबर वी ए क्या रहेगा, कोस फाई रहेगा, कि शुद्ध इंडक्टर या शुद्ध कैपेसिटर शक्ति खपत नहीं करता, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ अगर आप लोग देखें, इस कोस का मान मैं क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, तो ये पूरी पावर क्या आएगी, जीरो आएगी। तो P बराबर इसका जो अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो आएगा जीरो वाट। फिर अगर आपको पूछा जाए कि ये प्योर कैपेसिटर सर्किट होगा उसमें करंट क्या होगी, तो I बराबर क्या रहेगा, I बराबर रहेगा V अपॉन में एक्स सी रहेगा, क्योंकि इंडक्टर द्वारा और कैपेसिटर द्वारा जो रेजिस्टेंस उत्पन्न किया जाता है या अवरोध उत्पन्न किया जाता है, कैपेसिटर का तो क्या लेंगे अपने, एक्स सी लेंगे। अगर ये इंडक्टर होता तो अपने क्या लेते, एक्स एल लेते। इसके अलावा जो पावर का मैंने आपको बताया था वो सारी बात आपको वैसे याद रखनी है। तो ये अपने पास तीन सर्किट थे, अगर प्योर इंडक्टर है तब कैसे काम करेंगे, प्योर रजिस्टर है तब कैसे काम करेंगे, और प्योर कैपेसिटर तब कैसे काम करेंगे। अब इनके आर एल सी सर्किट अपने पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक चीज़ और देखेंगे, अगर इसको प्रैक्टिकली अगर आप लोग करना चाहो तो किस तरीके से करेंगे। देखो मैं इसको बता देता हूँ कि अगर ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिकल थ्रू रूप से करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, कि अगर आपके पास दो चीज़ें लेनी पड़ेगी, एक तो वाट मीटर लेना पड़ेगा, एक दूसरा क्या लेना पड़ेगा, पावर फैक्टर मीटर आपको लेना पड़ेगा, और दोनों के अंदर जो टर्मिनलों की संख्या होगी वो चार चार होगी। तो ये अपने पास क्या है, ये वाट मीटर है, ठीक है। वाट मीटर के अंदर चार टर्मिनल होंगे, एक सी सी पी सी होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ हमने क्या कर दिया, उसको सप्लाई से जोड़ दिया। इसके आगे आप लोग काम क्या कर सकते हो, ये तो अपने पास हो गया वाट मीटर,
इसके अलावा अगर पावर फैक्टर मीटर जोड़ोगे तो इस तरीके से जोड़ोगे, उसको जोड़ने का तरीका सेम रहेगा। अगर आपने यहाँ देखो, अगर आपने यहाँ जोड़ दिया इंडक्टर, सॉरी प्योर रजिस्टर सर्किट जोड़ दिया, मतलब आपने यहाँ क्या जोड़ दिया, आपने फिलामेंट लैंप जोड़ दिया, आपने हीटर जोड़ दिया, आपने गीजर जोड़ दिया, तब इसके अंदर क्या इफेक्ट होगा, तब ये जो पावर फैक्टर होगा, अगर आपने देखा होगा इसकी जो स्केल होती है वो इस तरीके से होती है, बीच में एक होगा, फिर यहाँ 0.9, 0.8, 0.7 इस तरीके से कुछ वैल्यू लिखी होगी, और इधर आपकी जो राइट साइड होगी इसकी स्केल के ऊपर लिखा होगा लैग लीड, और इधर क्या लिखा होगा, लैग लिखा होगा आप लोग देखेंगे तो, ठीक है यहाँ लिखा होगा लैग, तो 0.9, 0.8, 0.7 इस तरीके से। तो अगर आपने ये प्योर रजिस्टर सर्किट जोड़ दिया तो इसके जो पॉइंटर होगा वो यहाँ एक पर रुका रहेगा, किसका, इसका पावर फैक्टर मीटर का, ठीक है। एक चीज ये भी याद रखेंगे, कौन से दो मीटर को एक समान जोड़ेंगे तो आपका आंसर होगा वाट मीटर और पावर फैक्टर मीटर, इसके अलावा फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया और जो अपने पास होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर, वो दोनों भी क्या जुड़ते हैं, समांतर में जुड़ते हैं। वाट मीटर की स्केल देखेंगे तो वाट मीटर पर देखो यहाँ लिखा होगा जीरो, ठीक है यहाँ लिखा होगा जीरो, फिर यहाँ मान लेते हैं 50 लिखा है, यहाँ मान लेते हैं 100 लिखा है, यहाँ लिखा मान लेते हैं 500, ठीक है ऐसे कुछ रीडिंग लिखी होगी। तो वाट मीटर की स्केल क्या आएगी, जीरो वाट मीटर की स्केल क्या आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। मान लेते हैं अगर आपके पास 100 वाट का लैंप है तो ये 100 वाट पर आपका यहाँ आके रुक जाएगा, पॉइंटर एक पर आके रुकेगा इस तरीके से। अगर मैं यहाँ जोड़ देता हूँ इंडक्टर, इंडक्टर अगर प्योर है, इंडक्टर प्योर होता नहीं है ध्यान रखना, कोई भी कंडीशन में कुछ ना कुछ इनका रजिस्टर जरूर होगा, तो अगर ये प्योर होगा तो वाट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, यहाँ आएगी, और इसकी अगर रीडिंग पूछा जाए तो इसकी रीडिंग एकदम नीचे आएगी, क्योंकि इसका पावर फैक्टर क्या होगा, जीरो। तो ये देखो इधर आप लोग देखेंगे तो इसकी राइट साइड क्या होगा, आपकी लेफ्ट साइड जैसे जैसे नीचे जाएंगे और राइट साइड जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, बाकियों के अंदर ऐसा नहीं होता, तो ये जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब जैसे ये पॉइंटर अगर देखोगे तो एकदम नीचे आने का काम करेगा, किस कंडीशन के अंदर, जब आपने यहाँ इंडक्टर जोड़ा है। अगर ये कैपेसिटर जोड़ा होगा तो इस पॉइंटर की जो स्केल होगी वो किधर जाएगी, वो आपकी जाएगी राइट साइड की ओर। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब इंडक्टर जोड़ा जाता है तो इसकी जो स्केल होगी वो किस तरफ झुकाव होती है, इसका इंडक्टर, इसकी जो स्केल होगी पावर फैक्टर मीटर की वो राइट साइड जाएगी या लेफ्ट साइड जाएगी, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इंडक्टर जोड़ा है तो ये पावर फैक्टर मीटर होगा तो ये जाएगी आपका लेफ्ट साइड, इसकी जो पॉइंटर होगा वो लेफ्ट साइड गति करेगा। अगर कैपेसिटर होगा तो पावर फैक्टर मीटर जो होगा इसकी जो पॉइंटर जो होगा वो क्या जाएगा आपका राइट साइड की ओर होगा। अगर प्योर अपने पास रजिस्टिव है तो पावर फैक्टर जो होगा वो मिडिल पर यानी कि एकदम सेंटर में क्या होगा रुका रहेगा। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब अपने बारी बारी से पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर जो है अपने पास आर एल और सी इन तीनों को अगर हमने सीरीज में अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे तो सर्किट का इफेक्ट जो होगा वो कैसे होगा। यहाँ से आपको केवल एक ही चीज़ समझनी है आर एल सीरीज, और जब अपने समांतर में पढ़ेंगे तो आर एल आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, समांतर आप लोग पढ़ेंगे और बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने बात करेंगे आर एल सीरीज सर्किट, ठीक है, और यहाँ से मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से सभी क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगर आपने काम किया क्या, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया सर्किट के अंदर और एक आपने इंडक्टर जोड़ दिया, फिर आप लोग पावर फैक्टर देखना चाहते हो, इसका वाट, इसकी बाकी चीज़ें देखना चाहते हो कि वाट कितनी होगी, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, कलांतर देखना चाहते हो तो सारा देख सकते हो। यहाँ मैंने जोड़ दी वोल्टेज। अब आपको ये पता है कि सीरीज के अंदर अगर दो चीज़ है, अगर वो उनके रेजिस्टेंस अलग अलग है तो उन पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर इसके अंदर दोनों के अंदर देखें तो करंट की मात्रा वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब सीरीज के अंदर अगर आप लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, वो करंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि करंट जो होगी वो दोनों में क्या चलेगी, सेम चलेगी। तो प्योर रजिस्टर का अगर मैं बनाता हूँ दोनों के अंदर, देखो करंट की डायरेक्शन मेरे को सेम दिखानी पड़ेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, करंट और वोल्टेज इन फेज होगी, तो वोल्टेज को आप लोग इसी फेजर पर दिखाएंगे, इसी लाइन पर दिखाएंगे। इंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट अगर पीछे चल रही है तो वोल्टेज क्या चलेगी, आगे चलेगी, तो वोल्टेज आपको ऐसे आगे दिखाएंगे। अब इन दोनों को एक ही ग्राफ पर बना दें, तो इसको उठा के इधर लेकर के आएंगे तो इसका जो फेजर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि फेजर बनेगा कैसे, दोनों में करंट सेम है तो मैंने आई को दोनों में एक ही लाइन पर दिखा दिया। फिर आप लोग देखेंगे जो रेजिस्टेंस के अंदर होगा वोल्टेज और करंट इन फेज होगी तो ऐसा बन गया, इसके अंदर वोल्टेज होगी वो आगे चलेगी 90 डिग्री तो वोल्टेज को आपने आगे दिखा दिया।
अब आप लोग देखें इस फेजर को उठा करके इसके फेजर पर अध्यारोपित करेंगे तो आपका जो फेजर बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब देखो, इसका जो सबसे पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा फेजर, क्योंकि फेजर से ही सारी चीज़ें निकलेगी यहाँ से। तो ये अपने पास क्या रहेगा आई, ये क्या रहेगा वी आर, और यहाँ क्या होगा वी एल। इसका मतलब इंडक्टर पर वोल्टेज है, ये कैपेसिटर पर रेजिस्टर्स पर वोल्टेज है, ये टोटल करंट होगी जो यहाँ से निकली है। ये जो वोल्टेज होगी मेन, ये मेन वोल्टेज आपकी ये, अगर ये वोल्टेज इधर है इसको मैं इधर भी दिखा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये आपकी मेन वोल्टेज है, ये मेन करंट है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा उसको मैं दिखाऊंगा फाइन से। ये बात आई समझ में कि ये जो वोल्टेज होगी इन दोनों के बीच की वोल्टेज है, तो मैंने यहाँ दिखा दिया। इस वोल्टेज को आप लोग यहाँ दिखा रहे हो, इसको यहाँ भी दिखाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकायत होगा उसकी। ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है, इसी तरीके से एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा आपस में क्या होगी बराबर होगी। अब आप लोग यहाँ से देखें कि इसके अंदर अगर आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, कुल वोल्टता, यानी कि टोटल क्या निकालना चाहते हो वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज देखो, ये आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसको ओ ए बी से दे सकते हैं हमने, तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी से, ठीक है। ओ ए बी से अगर देखेंगे तो ये जो होगा ये बेस होगा, ये करंट होगा, ये क्या होगा धारा होगा, अलम्ब होगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगाते हो तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, करंट स्केयर बराबर क्या होगा आधार स्केयर प्लस क्या रहेगा लंब का स्केयर रहेगा, ऐसा ही होगा। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो ये वोल्टेज चाहिए अपने को, स्केयर नहीं चाहिए। तो मैं जब इसकी वोल्टेज निकालूंगा V बराबर, तो इस पर पूरे पर क्या आएगा रूट आएगा, ठीक है। और रूट को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी पावर क्या लिख सकते हो एक बटा में दो। तो ये वोल्टेज बन गई। अगर आप लोग यहां से निकालना चाहते हो कुल इंपीडेंस क्या होगा, प्रतिबाधा क्या होगी, तो टोटल इंपीडेंस अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ये V है टोटल, तो टोटल जो इसका जो अवरोध होगा, टोटल वोल्टेज होगी वो I इंटू क्या रहेगा Z रहेगा। तो I इंटू क्या लिखूंगा मैं, Z लिखूंगा। रेजिस्टेंस होगा तो इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होगी वो I इंटू क्या वोल्टेज होगी वो I इंटू क्या रहेगा R रहेगा। तो मैं क्या करूंगा I और R का क्या कर दूंगा, यहाँ से स्केयर है तो इस पर भी स्केयर आ जाएगा, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था। अभी हमने क्या पढ़ा था कि I बराबर क्या था वी अपॉन में R था, और I बराबर क्या था वी अपॉन में XL था। अगर इसको वी आर लिख रहा हूँ, इसको मैं वी एल लिख रहा हूँ, तो वी आर बराबर क्या होगा I इंटू आर हो जाएगा, और वी एल बराबर क्या हो जाएगा I इंटू XL। इस वी एल की जगह मैं क्या लिखूंगा I इंटू XL लिखूंगा, ठीक है। ऐसा अब इन दोनों में देखो I कॉमन आएगा, और I का स्केयर जब बाहर निकलेगा रूट से तो सीधा I निकलेगा। देखो कैसे इन दोनों में कॉमन क्या चीज आई है, तो आई का स्केयर कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्केयर है, ये आर का स्केयर बचेगा अंदर, और नीचे क्या बचेगा एक्सएल का स्केयर। अब ये आई का स्केयर जब बाहर निकलेगा तो केवल आई निकलेगा, तो आर स्केयर प्लस क्या आएगा एक्सएल का स्केयर, आई से आई कैंसिल हो गया, तो जेड बराबर क्या करोगे आर का स्केयर प्लस क्या आएगा एक्सएल का स्केयर। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि अगर आर एल सीरीज सर्किट है तो उसका टोटल इंपीडेंस अगर आपसे पूछा जाए तो जेड बराबर आर स्केयर प्लस क्या लिखोगे एक्सएल का स्केयर, आप लोग क्या करोगे यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो आर जेड बराबर क्या आएगा आर स्केयर प्लस एक्सएल का स्केयर, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज और पता चल रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको यहाँ से क्या चाहिए, अगर आपको यहाँ से चाहिए इसका पावर फैक्टर चेक करना चाहते हो, तो पावर फैक्टर देखो ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो वोल्टेज आगे चल रही है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। वोल्टेज आगे और करंट क्या पीछे, ये देखो यहाँ पे ये मेन वोल्टेज है ये करंट है, तो पावर फैक्टर देखेंगे तो ये वोल्टेज आगे चल रही है, इसका मतलब ये पावर फैक्टर क्या होगा, और करंट क्या चल रही है पीछे, तो पावर फैक्टर आएगा लैगिंग। और ये मैंने आपको पावर फैक्टर में बताया भी था कि जब एल होगा चाहे सीरीज हो चाहे समांतर हमेशा क्या आएगा लैगिंग ही आएगा। तो तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है यहां से, ठीक है। तीसरी बात क्या याद रखोगे, पावर फैक्टर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसका पावर फैक्टर देखो, एक तो बात आपको याद रखना है लैगिंग होगा, दूसरी बात क्या याद रखोगे, ये न तो प्योर इंडक्टर है न ही प्योर क्या रेजिस्टर है, तो न तो जीरो होगा नहीं क्या होगा एक होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी पावर फैक्टर की यहाँ से
यानी कि कॉस फाई की जो मान होगा वो जीरो और एक के क्या होगा बीच में होगा। दूसरी बात देखो और साथ में क्या बात याद रखनी है, पावर फैक्टर जो होगा वो क्या रहेगा आपका लैगिंग रहेगा। इसके बाद पावर फैक्टर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कलांतर भी बता सकते हो, यानी कि जो फेज डिफरेंस होगा जीरो डिग्री कब होगा, जीरो डिग्री पर होगा एक कब होगा नब्बे डिग्री, इसका मतलब कलांतर जो होगा वो जीरो डिग्री और नब्बे डिग्री के क्या होगा बीच में होगा। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ से क्या करेंगे याद रखेंगे। दूसरी बात देखो पावर फैक्टर आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, कोस फाई का फार्मूला देखो यहाँ से क्या बनेगा, कोस फाई का एक तो मैंने आपको बताया था आर बटा जेड लिख सकते हो। दूसरी देखो कोस फाई क्या रहेगा, यहाँ से ये फाई है, ये पूरा ट्राइंगल आपका इस तरीके से, ये आधार है, ये क्या कर्ण है, और ये बात मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो आधार बटा कर्ण करके देखेंगे तो आधार कितना आएगा अपने पास वी आर होगा और कर्ण पर वोल्टेज कितनी है वी है, तो इसको आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। फिर ध्यान रखना इसके अंदर अगर आपने देखें पावर अगर आपको निकालनी है, ठीक है, अगर इसके अंदर आपको क्या निकालनी है पावर निकालनी है तो पावर का फार्मूला क्या रहेगा, तो P बराबर आपका जो रहेगा वो फार्मूला यूज करेंगे वी आई कोस फाई, एक तो ये यूज करेंगे P बराबर क्या करेंगे वी आई कोस फाई। अगर आपको वास्तविक पावर निकालनी है तो P बराबर वी कोस फाई भी लगा सकते हो, इसके अलावा मैंने उस दिन भी आपको बताया था इसको आप लोग क्या लिख सकते हो P बराबर आई स्केयर आर, लेकिन यहाँ ये जो आई आएगा ये वी अपॉन में आर नहीं लेंगे, ये बात आप लोग याद रखेंगे, इसका भी अपने क्वेश्चन करेंगे। तो आई बराबर जो होगा वो वी अपॉन में क्या लेंगे जड लेंगे यहाँ से, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है कि यहाँ ये जो आई होगा जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ ये जो आई होगा ये जड लेना पड़ेगा, नीचे आर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने आर ले लिया तो फिर ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा गठित हो जाएगा। फिर अगर इस वोल्टेज इस प्रतिरोध पर वोल्टेज पूछे तो वी आर जो रहेगा, वी आर मैंने आपको अभी बताया था आई इंटू आर रहेगा, मतलब इसके अंदर करंट कितने की और आर कितना है, तो इसका वोल्टेज रहेगा आई इंटू आर रहेगा। फिर अगर इंडक्टर पर पूछे तो आई इंटू क्या रहेगा एक्स एल रहेगा। तो यहाँ से आपको ये बातें आपको क्या करनी है याद रखनी है, और ये पिछले साल यूपी पीसीएल वाले एग्जाम के अंदर भी पूछा भी गया था आपको इस तरीके से। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से क्या करेंगे इसके अंदर याद रखेंगे। अब क्यों डीएमआरसी में कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो यहाँ से मैं आपको इस फेजर डायग्राम से वो तीन क्वेश्चनों के बारे में बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ये आपको बता ये वोल्टेज कौन सी है, इंडक्टर की वोल्टेज है, ये किसकी है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर की वोल्टेज की अगर तुलना करें तो VL होगा वो VR से क्या रहेगा 90 डिग्री क्या चलेगा लीड चलेगा, एक बात आपको याद रखना, मतलब ये जो इंडक्टर पर वोल्टेज होगी वो रेजिस्टेंस की वोल्टेज की तुलना में क्या रहेगी वो आगे चलेगी किसके अंदर RL सर्किट के अंदर, यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, ये सप्लाई वोल्टेज है और ये क्या है VL, तो VL जो होगा ठीक है VL होगा V से क्या चलेगा लीड, अब कितना लीड चलेगा ये जितना एंगल आएगा उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा लीड होगी या नहीं कितनी होगी। फिर आप लोग देखें 11 के बाद में इसका 12 नंबर पॉइंट देखें कि सप्लाई वोल्टेज होगी रेजिस्टेंस की वोल्टेज की तुलना में क्या रहेगी, तो V जो होगा ये VR से क्या चलेगा लीड होगा, इसका मतलब उस उल्टा भी पढ़ सकते हो कि रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगी वो सप्लाई वोल्टेज से क्या चलेगी पीछे चलेगी। तो ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं जितने भी ये चीज़ अपने ने यहाँ पढ़े हैं ये सारा का सारा आर सी पढ़ेंगे तो यहाँ वी सी हो जाएगा या एक्स सी आ जाएगा, ठीक है ये यहाँ एक्स सी आ जाएगा, ये सारा सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये यहाँ क्या आएगा यहाँ आपका आएगा लीडिंग, और ये थोड़ा सा ये चीज़ पार्ट जो होगा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसके ऊपर देखेंगे जो मैंने आपको जो वैल्यू बताई है यहाँ तक इन चीज़ों को नोट करके रखें, एक तो इसका अपने अपने वेरिफिकेशन करेंगे और एक अपने करेंगे इस पावर फैक्टर का, आर बटा जेड से निकाले तब क्या आ रहा है और वी बटा वी आर बटा वी से निकालेंगे तब क्या आएगा। अब यहाँ देखो मैंने एक सवाल लिखा है कि आर एल सीरीज सर्किट अपने पास आर का मान आपको 4 दे दिया, एक्सएल का मान 3 दे दिया और यहाँ जो वोल्टेज दे रखी है वो 200 वोल्ट ऐसी दे रखी है, अब आपको इनमें से जो जो वैल्यू दे रखी है वो आपको निकालनी है। तो पहले आपको दे रखा है टोटल इम्पीडेंस आपको निकालना है, तो जड़ बराबर देखो क्या बनेगा, जड़ का जो फार्मूला था मैंने बताया था आर स्केयर प्लस क्या करेंगे एक्सएल का स्केयर करेंगे, तो आर की जगह जो वैल्यू रखेंगे वो 4 रखेंगे और 4 का स्केयर करेंगे तो 9 आएगा, एक्सएल की जगह रखेंगे 3 का स्केयर करेंगे तो 9, इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आएगा 25 और 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5 और आगे क्या लग जाएगा ओम, तो टोटल जो इम्पीडेंस आएगा वो कितना आएगा 5 ओम आएगा। ठीक है
उसके बाद दूसरा देखो, आपको पूछा गया टोटल करंट, तो टोटल करंट आपको निकालनी है यहाँ से आई, तो आई जो होगा, अगर आई टोटल है तो वी टोटल होगा और आपका रेजिस्टेंस टोटल होगा, और यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको अपने क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इस वोल्टेज का मान 200 रखेंगे और इस जेड का मान कितना रखेंगे, ये रखेंगे 5। तो 200 को अगर मैं 5 से डिवाइडेशन करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 40, और करंट है तो क्या आ जाएगा, एम्पियर। यानी कि इस क्वेश्चन का यहाँ ये आएगा, इसका कितना आएगा, 40 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, पावर लॉस निकालना है, और इससे पहले पावर फैक्टर और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ शक्ति खपत में चाहिएगा अपने को मान। देखो कॉस फाई क्या रहेगा, आर अपॉन में जेड बताया था मैंने, और एक मैंने वी आर बटा वी बताया था। इसको निकालने के लिए देखो, पहले इस फार्मूले से निकालेंगे, और इस फार्मूले से निकालने के लिए मेरे को यहाँ इस वी आर का मान निकालना पड़ेगा। तो आर का मान देखो कितना है, 4 है, और जेड का मान कितना दे रखा है आपको, 5। तो ये 4/5, तो एक तो आपको याद रखना है 4/5, ठीक है, और 4 को अगर मैं 5 से डिवाइडेशन करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 8/5, यानी कि 0.80 आएगा। अब 0.80 तो होगा, इसको आप लैगिंग लिखेंगे, लीडिंग, आपके पास एक्सेल है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लैग। ठीक है, अगर मैं इसका वी आर निकालना चाहता हूँ तो वी आर निकालने के लिए मेरे को काम क्या करना पड़ेगा, आई इंटू करना पड़ेगा आर, और इसके लिए आई इंटू एक्सेल करना पड़ेगा। तो आई इंटू आर करेंगे तो आई का मान कितना अपने पास, आई का मान अपने पास है 40, और आर का जो मान है वो कितना है, 4। तो 40 × 4 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 160 वोल्ट हो जाएगा। और इंडक्टर पर अगर वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाए तो आई इंटू क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो ये 40 ही हो गया, आई का मान और एक्सेल का मान कितना है, 3। तो यहाँ करेंगे तो 40 × क्या करेंगे, 3 120। अब यहाँ से ये मैं सोच रहा ना कि यहाँ 140 160 हो गया, 120 हो गया, ये तो 280 हो गया, लेकिन दो दे अपने कितनी दे, 200। तो ये फेजर जो मैंने अभी बताया था, ये जो होता है इसको फेजर जोड़ बोला जाता है। ये मैंने आपको जो पहली वीडियो करंट के अंदर बताया भी था कि ऐसी जो होती है फेजर होता है, ये फेजर क्वांटिटी होती है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हमने काम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे और देखेंगे कि जो अपनों ने पावर फैक्टर निकाला था वो सही आया था क्या। वी आर का मान देखो कितना, 160, और टोटल वोल्टेज कितनी है, 200। 16/20 बनेगा, 4 के बड़े से काटेंगे तो 4/5। तो मतलब आप लोग ये फार्मूला यूज करें, चाहे आपका आर बटा जेड का यूज करें, फार्मूला जो होगा संख्या जो वैल्यू जो मिलेगी आपको वो सेम ही मिलेगी। अगला आपको दे रखा है पावर खपत, आपको निकालनी है। तो पावर खपत देखो, इसके दो फार्मूले बताए थे, P = VI cos φ निकाल सकते हो, या दूसरा मैंने बताया था I² × क्या बताया था, R बताया था। वोल्टेज का मान देखो कितना आपको दे रखा है, 200, करंट का मान कितना है, 40, और पावर फैक्टर आपको दे रखा है 4/5, ऐसे होगा। इसको मैं इसे काटूंगा तो कितने बढ़ जाएगा, 5 × 4 = 20 यानी 40, तो 4 × 16 = 64, तो 6400 कितना आ जाएगा, वाट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, 6400 वाट। इसके अलावा एक चीज़ और देखो, अभी एक सवाल दिमाग में है, अभी जो आपकी लाइनमैन की परीक्षा हुई थी उसके अंदर आपको दो सवाल पूछे गए थे, एक जिसके अंदर वाट और वी ए आर दोनों निकालना आपसे पूछा गया था, तो वो भी अपने बात करेंगे कि वी ए आर अगर इस सवाल के अंदर दिया होता तो वो कैसे निकलता। तो पहले ये अपने निकालेंगे, टोटल ट्रू पावर निकालेंगे तो 6400 वाट आएगा। दूसरा आई स्केर आर करते, तो आई का मान कितना बताया था मैंने, 40, और आर कितना आपके पास, 4। ठीक, आर कितना है, 4, तो 40 को करेंगे तो ये कितना आएगा, 1600 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6400 वाट। तो इसका मतलब वास्तविक शक्ति खपत होगा वो कितना आएगा, पीटी जो होगा वो कितना आएगा, 6400 वाट। लेकिन इसी सवाल के अंदर आपको अपरेंट पावर पूछ ली जाती, पी ए पूछ लिया जाता, तो P = VI जो होगा, ठीक है, क्योंकि अपरेंट पावर क्या होगा, P = VI होगा। वोल्टेज का मान आप लोग 200 लेंगे और करंट का मान कितना लेंगे, 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8000 वाट या 8 किलो वाट। और तीसरी पावर जो आपके पास बचती है वो होती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर देखो कैसे निकालेंगे, रिएक्टिव पावर देखो एक चीज और देखो यहाँ पर, और पी ए का निकालने का एक तरीका ये भी देखो, वी ए था एक, तो इसके अलावा आई स्केयर जेड से भी कर सकते हो, क्योंकि तीन मैंने आपको फार्मूले बताए थे, वी आई कोस फाई, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, आई स्केयर आर, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण होगा। रिएक्टिव पावर को वी आई साइन फाइन से भी करोगे तो भी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि इंडक्टिव इंडक्टर के कारण होगा। तो आई एक्स एल लिखो, अगर एल है तो, अगर जेड होगा, अगर टोटल होगा
अगर संधारित्र होगा तो सी लिखेंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो एक्स लिखेंगे। V इंटू आई किया तो मेरे पास 800 आया, अगर आई स्केयर जड करता तो देखो कितना था, आई का मान कितना है 400, 40 40 का स्केयर होगा, जड का मान कितना निकाला मैंने 5, ठीक है, तो ये 40 का करूंगा तो ये आएगा 1600, 16 कितना आएगा 80, तो भी आपकी वैल्यू वो कितनी आएगी वो सेम आएगी। अगर इसी को आप लोग क्या करते हो, इसके अंदर मैंने आपको बताई थी, अब इसके अंदर देखो V का मान आपके पास कितना है 200 है, आई का मान कितना दे रखा है आपको, अब आई का मान अपना निकाला था कितना निकाला था 4, और साइन का अगर मान निकालना है तो एक्स आर जड होगा और साइन जो होगा वो होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह क्या आएगा एक्स, यानी कि एक्स बटा क्या आएगा जड, और एक्स की जगह यहाँ वैल्यू कितनी है 3, और जड की जगह वैल्यू कितनी आएगी 5। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 40, 40 को 4 से गुणा करूँगा तो 16 16 48, यानी कितना आएगा 4800, ये यहाँ वोल्ट एम्पियर होगा और ये आएगा वी ए आर। अगर मैं इसी को आई स्केयर एक्स से करता तो मेरी वैल्यू देखो क्या आती, आई स्केयर जो होगी आई स्केयर का मान देखो यहाँ कितना है 40 अपने पास है, 4 नहीं टोटल आएगी 40 एम्पियर की करंट है, तो आई का स्केयर अपने निकालेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ 40 होगा, तो यहाँ 40 को 40 से 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 16 48, ठीक है 48 ही आएगा, ठीक है। अब आई स्केयर एक्स करेंगे तो आई का जो मान होगा वो कितना आएगा 40 होगा और एक्स का मान कितना है 3, ठीक है, तो ये देखो ये 40 40 यानी कि इसका स्केयर करेंगे तो 40 40 इंटू में क्या आएगा 3 ये रहा। तो आप लोग ये भी फार्मूले याद रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कोई मर्जी आपको सवाल पूछ ले आप लोग कर सकते हो। अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने आर सी श्रेणी, आर एल सी श्रेणी और फिर हमने बात करेंगे एल सी श्रेणी, तो और साथ में समांतर सर्किट भी पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करना ना भूलें, शेयर में कोई कमी नहीं है।